हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस इंडियन जीके के वीडियो लेक्चर में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक अगर जिसने भी मिस कर दिया वो हर एक एग्ज़ाम को मिस करता रहेगा, क्योंकि अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपरों में हमारा जो उत्तर प्रदेश राज्य है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनाने वाला ये राज्य है, क्योंकि ये राज्य जनसंख्या की दृष्टि से काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें पूछा जाता है। तो जैसा कि हमारी क्विक रिवीजन की सीरीज़ में इंडियन जीके के सारे स्टेट को हम पढ़ते आ रहे हैं, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम उत्तर प्रदेश राज्य की बात करने वाले हैं, जिसे शॉर्ट में आप यूपी कहते हैं। जैसे आप शॉर्ट में क्या कहते हैं भैया? यूपी कहते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम है वो है संयुक्त प्रांत। क्या भैया? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत के नाम से इसका गठन 1937 में हुआ था सबसे पहली बार, लेकिन इसको संवैधानिक तौर पर गठित राज्य नहीं माना जाता 1937 में, क्योंकि हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था। तो संयुक्त प्रांत के नाम से इसको बनाया गया 37 में, फिर 1950 में टेम्प्रेरी रूप से बनाया, बहुत सारी साइड में दिया रहता है, लेकिन फाइनली 1956 में इसको राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ गठित करके भारत का राज्य बनाया गया, ठीक है। तो कभी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि संयुक्त प्रांत किस राज्य को कहा जाता था, तो आपको आंसर क्या देना है? आपको आंसर देना उत्तर प्रदेश। वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो हर व्यक्ति को पता है योगी जी। क्या नाम है भैया? आदित्य योगीनाथ। आदित्य योगीनाथ या योगी आदित्यनाथ कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। योगी उनकी उपाधि है, आगे पीछे लगा सकते हैं, ठीक है। और योगी आदित्यनाथ से एक बार क्वेश्चन आया था कि इनका वास्तविक नाम क्या है। इनका वास्तविक नाम पूछा जा सकता है आपसे, तो इनका वास्तविक नाम है अजय कुमार विष्ट। क्या है भैया? अजय कुमार विष्ट, ये इनका वास्तविक नाम है। और क्वेश्चन आ सकता है ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं, ठीक है। उत्तराखंड में ये पुजारी हुआ करते थे, अब जो भी थे, तो वहां से फिर उत्तर प्रदेश आए और यहाँ आकर मुख्यमंत्री बने। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में पदस्थ हैं, ठीक है। अगर हम राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल सभी जानते हैं, ठीक है। आनंदीबेन पटेल जी हैं जो कि अतिरिक्त प्रभार के साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी हैं, ठीक है। राजधानी की बात करें तो लखनऊ है, हर व्यक्ति जानता है, लेकिन लखनऊ किस नदी के किनारे है ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन आ चुका है रेलवे में और कई एसएससी में और कई एग्जाम में आ चुका है। राजधानी लखनऊ है, नो डाउट। किस नदी पर है? गोमती नदी के किनारे है। और इसकी स्थापना किसने की, उससे भी इम्पोर्टेंट है। इसकी जो स्थापना है वो आसफ उद्दौला के द्वारा की गई, ये बहुत कम लोग जानते हैं। लखनऊ शहर की जो स्थापना है वो आसफ उद्दौला राजा के द्वारा की गई थी, जो कि मुगल वंश के शासक यहाँ का एक राजा हुआ करता था, ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि लखनऊ को पुराने किस नाम से जाना जाता था, तो इसका पुराना नाम है वो है लखनौती। पुराना नाम क्या है भैया लखनऊ का? लखनौती और लखनपुर, ठीक है। भगवान जो राम है उनके जो भाई थे लक्ष्मण, उनके नाम पर इसका नाम लखनपुर रखा गया, फिर लखनौती हुआ और लखनौती से लखनऊ हो गया, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। अब लखनऊ में कुछ चीजें हैं, जैसे बड़ा इमामबाड़ा है, बड़ा इमामबाड़ा है, इससे क्वेश्चन आ चुका है ना। भूल भुलैया जैसे हम कहते हैं, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की सबसे बड़ी भूल भुलैया कहां पर है, तो लखनऊ में है। क्या नाम है? बड़ा इमामबाड़ा, ठीक है। वो कांचाच में व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता और वो गार्डन बना रहता, आपने देखा होगा हेरा फेरी फिल्म में बताया गया। तो इतना सब आप लखनऊ के बारे में याद रखें, ठीक है। अगर हम यहाँ के लोक नृत्य की बात करें तो यहाँ का लोक नृत्य क्या है? कथक। याद रखना कथकली अलग है और कथक अलग है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे आप लोग कि कथकली कहाँ का है और कथक कहाँ का है। कथक तो उत्तर प्रदेश का मैंने बता दिया है, ठीक है। कथक और कथकली में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। एक और बता देता हूँ मैं, रासलीला। रासलीला भी यहाँ का क्या है? लोक नृत्य है, ठीक है। दो लोक नृत्य पर्याप्त हैं। जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो कहाँ की? उत्तर प्रदेश की है। आंकड़ों के अनुसार 16.49 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है, ठीक है। 16.49% हाँ, इतना परसेंट है पूरे भारत का। पूरे भारत का 16.49% करोड़ लोग यहाँ निवास करते हैं। लगभग इसको 20 करोड़ कह सकते हैं ना, 20 करोड़ प्लस लोग यहाँ पर हैं। 20 करोड़
प्लस लोग यहाँ की जनसंख्या है, लेकिन 16.49 करोड़, ये पुराना डाटा है, लेकिन अब कहते हैं कि 20 से ऊपर जा चुका है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तब आपको क्या लगाना है? तब आपको राजस्थान लगाना है, जो कि मैं बता चुका हूँ। अनुसंधान केंद्र की बात करें तो यहाँ बहुत सारे अनुसंधान केंद्र हैं, है ना। मैं डायरेक्ट नाम लिखता हूँ, बकरी अनुसंधान केंद्र, बकरी अनुसंधान केंद्र गोट रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पर है? ये मखदून में है, उत्तर प्रदेश में तो है लोगों, लेकिन उत्तर प्रदेश के मखदून शहर में स्थित है बकरी अनुसंधान केंद्र। बकरी के बाद विश्व वनस्पति और औषधि, ये तीन अनुसंधान केंद्र अलग अलग हैं, विश्व अनुसंधान केंद्र, वनस्पति अनुसंधान केंद्र, औषधि अनुसंधान केंद्र। पॉइजन रिसर्च सेंटर, प्लांट रिसर्च सेंटर और मेडिसिन रिसर्च सेंटर, ये तीनों कहां पर है आपके भैया? ये तीनों आपके लखनऊ में है। कैसे याद रखोगे? विष कब जाएगा आपके अंदर? जब सांप काट लेगा। सांप काट लेगा तो आपको दवाई की जरूरत होगी, औषधि की जरूरत होगी, और औषधि कैसे मिलती है? वनस्पति, ठीक है। और फिर आपके लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। जब सांप काट लेगा तो आपको औषधि की जरूरत पड़ेगी, विष जाएगा, औषधि की जरूरत पड़ेगी, औषधि वनस्पति से बनती है, और आपके लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे, लाखों से लखनऊ। तो लखनऊ में विष अनुसंधान केंद्र, वनस्पति अनुसंधान केंद्र, औषधि अनुसंधान केंद्र तीनों अवस्थित हैं। इसके अलावा दो और हैं, एक दाल अनुसंधान केंद्र और एक चीनी अनुसंधान केंद्र। दाल अनुसंधान केंद्र और चीनी अनुसंधान केंद्र, तो ये भी कहाँ पर है? ये आपका कानपुर में है, ये आपका कानपुर है, है ना, याद रखना, ये लखनऊ नहीं है। दाल और चीनी अनुसंधान केंद्र आपके कहाँ पर हैं? कानपुर में स्थित हैं, ठीक है। अब आप कमेंट करके मुझे बताइए कि पक्षी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, पक्षी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये आप कमेंट करके बताइए। और उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर, उत्तर प्रदेश का इज्जत नगर क्यों फेमस है, ये दो का चीजें आप मुझे कमेंट में बताइए। स्टेडियम की बात करें तो इकाना क्रिकेट स्टेडियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इकाना क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पर है। और ये इकाना क्रिकेट स्टेडियम जो है ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। ये कहाँ पर भैया? लखनऊ में है, और हाल ही में इसका नाम बदल दिया है। सो ये मोस्ट IMP क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इसका नाम पड़ गया है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम जो कि लखनऊ में है, नाम पुराना क्या था? इकाना। एयरपोर्ट की बात करें तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी यहीं पर है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कानपुर में है। और एक है आपका लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, ये आपका लखनऊ में है, ठीक है। दो हवाई अड्डे हैं, चौधरी चरण सिंह और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, याद रखना। लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जो एकेडमी है लवासना, वो उत्तराखंड में है। अगर हम पार्क की बात करें तो यहाँ पर अल्फ्रेड पार्क है, है ना, अल्फ्रेड पार्क है। इसी अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली थी, ये क्वेश्चन आ चुका है कि चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली किस पार्क में मारी थी, तो अल्फ्रेड पार्क कहाँ पर है? ये इलाहाबाद में, ठीक है। भवन की बात करें तो स्वराज भवन, है ना, स्वराज भवन यहीं पर स्थित है। स्वराज भवन और एक और भवन है जिसका नाम आप कमेंट में मुझे बताएंगे, ये दोनों भवन भी इलाहाबाद में है, जहाँ पर नेहरू परिवार रहा करता था। किले की बात करें तो कालिंजर का किला यहीं पर है। कहते हैं कालिंजर किले को आज तक कोई जीत नहीं पाया है, जिसने भी जीता है वो मारा गया, ठीक है। कालिंजर का किला भी यहीं पर है, जो कि बुंदेलखंड का काफ़ी ज़्यादा संरक्षक क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। कालिंजर का किला हो गया, लखन का किला, है ना। लखनऊ में एक किला है जिसका नाम है लखन का किला या लखनौती का किला, ठीक है। लखन का किला या लखनौती का किला भी कहाँ पर है आपका? लखनऊ में है, ठीक है। लखन का किला याद रखें और आपका कालिंजर का किला याद रखें। मंदिर की बात करें तो मंदिर यहाँ पर बहुत सारे हैं, मैं बताने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि आप जानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो मंदिर है वो आपका श्याम जी का मंदिर है, राधे कृष्ण वाला, जो कि मथुरा में है, ये बात सभी जानते हैं। इसके अलावा बनारस में इतने सारे मंदिर हैं, मंदिरों का शहर है। इलाहाबाद में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत हैं, हम चर्चा नहीं करेंगे। बस एक की चर्चा करेंगे हम, काशी विश्वनाथ की। किसकी बात चर्चा करेंगे भैया? काशी विश्वनाथ की, क्योंकि काशी जो है वो ज्योतिर्लिंग है, जो कि बनारस में स्थित है। मस्जिद की बात करें तो आपको पता है बाबरी मस्जिद यहीं पर है। बाबरी मस्जिद कहाँ पर है? ये अयोध्या में है। और बाबरी मस्जिद का जो निर्माण है वो बाबर के द्वारा करवाया गया था, लेकिन किया किसने था
ये इम्पोर्टेंट है। बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर ने नहीं किया, बाबरी मस्जिद का जो निर्माण है वो मीर बाकी ने किया, मीर बाकी ने उसको बनाया था जबकि बनवाया बाबर ने था, ठीक है। 1528-29 के आसपास इसका निर्माण हुआ था इस मस्जिद का, फिर उसको मिटा दिया गया, नष्ट हो गया, फिर वहाँ पर मंदिर अंदर का जो विवाद है वो मैंने आपको वीडियो में समझा दिया है, जाकर आप देख सकते हैं उस वीडियो को, बाबर मस्जिद और अयोध्या राम मंदिर। तो अब राम मंदिर स्टार्ट हो गया है बनना, राम मंदिर स्टार्ट हो गया है अब बन जाएगा, है ना, सब कुछ हो चुका है, ये बात तो आप जानते ही हैं। स्तंभ की बात करें तो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ जो है वो सारनाथ में है, अशोक स्तंभ जो है वो सारनाथ में स्थित है, ये सभी जानते हैं, और सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, ये भी आप जानते हैं। अशोक चक्र को आपका राष्ट्रीय चक्र, राष्ट्रीय चिन्ह माना जाता है, ये भी आप जानते हैं। अशोक चक्र में झंडे में 16 लाइनें होती हैं, ये बात भी आप जानते हैं। अशोक चक्र किस कलर का होता है ये मुझे कमेंट में बताइए, ये मैं बता सकता हूँ लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन आया है कि झंडे में कितने कलर होते हैं, तो झंडे में लोग तीन कलर लगाते हैं, भैया हरा, सफ़ेद और केसरिया, जबकि झंडे में एक और कलर होता है जिस कलर का अशोक चक्र बीच में बना होता है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं, उस चक्र का कलर बताइए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। जलमार्ग की बात करें तो प्रयागराज है ना, प्रयागराज से हल्दिया के बीच क्या बनाया गया है, हल्दिया के बीच, प्रयागराज से हल्दिया के बीच जलमार्ग बनाया गया है, जिसे नेशनल वाटरवे नाम दिया गया है, मतलब जहाज समुद्र में चलता है लेकिन अब नदी में चलेगा, किस नदी में बनाया गया है, गंगा नदी, किस नदी में बनाया गया, गंगा नदी, और गंगा नदी जो है, गंगा नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया गया है ना, और गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है, डॉल्फिन मछली पाई जाती है, इस डॉल्फिन मछली को सूस के नाम से भी जाना जाता है, डॉल्फिन मछली पाई जाती है गंगा नदी में, इसको सूस के नाम से भी जाना जाता है, इस डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया 2008-09 में, इसको जलीय जीव घोषित किया गया भारत का 2008-09 में, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश ने भी अपना जलीय जीव घोषित कर लिया है। और जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन मैन के नाम से रविंद्र कुमार को जाना जाता है, डॉल्फिन मैन के नाम से रविंद्र कुमार सिन्हा को जाना जाता है, क्योंकि ये डॉल्फिन को बचाने के चक्कर में इनने बहुत सारे अच्छे काम किए, इसलिए इनको डॉल्फिन मैन का नाम दे दिया गया। डॉल्फिन जो है वो मत्स्य नहीं है, वो मछली नहीं है, डॉल्फिन जो है भैया वो मछली नहीं है, डॉल्फिन जो है वो मछली नहीं है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो फिर क्या है, डॉल्फिन मछली नहीं है बल्कि स्तनी पक्षी है, सॉरी स्तनी जंतु है। आप कहेंगे स्तनी जंतु क्यों है, क्योंकि ये मनुष्य की तरह व्यवहार करता है ना, ये जो है ये बच्चे देने का काम करती है, अधिकांश तौर मछलियां अंडे देती हैं, लेकिन दो मछली जो हैं वो बच्चे देती हैं, एक मछली है आपकी डॉल्फिन और एक मछली है आपकी ब्लू व्हेल, तो ब्लू व्हेल मछली और डॉल्फिन मछली नहीं है, इस बात को लिख लेना, ये स्तनी वर्ग में आती हैं, जैसे चमगादड़ उड़ता है फिर भी पक्षी नहीं है, तो वैसे ये है, तो डॉल्फिन जो है वो स्तनी वर्ग में आता है, और डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है, जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है प्लेटिनिस्टा, वो क्या भैया प्लेटिनिस्टा, तो इतना सफिशियंट है। 1857 की क्रांति आप जानते ही हैं, महारानी लक्ष्मीबाई, लेकिन मेरठ से शुरू हुई थी, वास्तविक शुरुआत जो है बैरकपुर से हुई थी, लेकिन मेरठ से इसकी शुरुआत हुई 1857 में, 10 और 11 तारीख की बात है, ठीक है, 10 और 11 तारीख की बात है, बहुत सारी चीज़ें बाद में चर्चा करेंगे। अब कुछ शहर हैं, मथुरा, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, बनारस, अलीगढ़, रेणुकूट, लखनऊ, झांसी, फिरोजाबाद, इतने सारे यहाँ के प्रमुख शहर हैं, इतने क्या है यहाँ के प्रमुख शहर हैं, इन प्रमुख शहरों की मैं एक एक विशेषता बताता हूँ जो एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है। मथुरा की बात करें तो मथुरा में जंतर मंतर स्थित है, एक दिल्ली में है, एक जयपुर में है, एक उज्जैन में है, एक मथुरा में है और एक बनारस में भी है, है ना, भारत में 5 जंतर मंतर हैं, जिसमें से एक बनारस और एक मथुरा में है। मथुरा जो है वो भारत का सबसे बड़ा जंक्शन है, याद रखिएगा, प्लेटफॉर्म नहीं, सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो गोरखपुर हुआ करता था, अब हुबली हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा जंक्शन जो है वो आज भी मथुरा है, ठीक है। आगरा की बात करें तो आगरा में ताजमहल है, सभी जानते हैं आगरा जो है वो ताजमहल स्थित है, और आगरा की जो स्थापना है वो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आगरा शहर की जो स्थापना है वो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी।
तो आगरा में ताजमहल है। ताजमहल के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। बस इतना याद रखें कि ताजमहल के जो निर्माणकर्ता हैं वो उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईसा हैं, जबकि शाहजहाँ के कहने पर बनाया था, संगमरमर से बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से अब पीला होने लगा है, बहुत सारी बातें हैं। इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में गंगा यमुना के संगम पर कुंभ का मेला लगता है 12 वर्ष में। 12 वर्ष में महाकुंभ लगता है और जो कुंभ है जिसे अर्धकुंभ कहते हैं वो 6 वर्ष में लगता है। ठीक है, इलाहाबाद का जो नाम है वो बदलकर प्रयागराज कर दिया है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। कानपुर की बात करें तो कानपुर में मैंने 2 अनुसंधान केंद्र बता दिए आपको, है ना, दाल और चीनी, बस इसके बाद और कुछ ज़्यादा नहीं। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है, सफिशियंट है। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर जो है ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हुआ करता था, लेकिन हाल ही में ये डाटा चेंज हो गया है और अब कर्नाटक का हुबली सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। ठीक है, गोरखपुर, गोरखपुर के बाद हम बनारस की बात करें तो बनारस जो है इसे काशी के नाम से भी जाना जाता था बनारस को, और बनारस में जंतर मंतर भी स्थित है। बनारस को वाराणसी भी कहते हैं, है ना, मंदिरों का शहर, घंटियों का शहर, है ना, बहुत सारे नाम हैं, तो ये सब याद रखें बनारस के बारे में। अलीगढ़ की बात करें, जो अलीगढ़ है ये अलीगढ़ तालों के लिए फेमस है ना। कभी आपसे पूछा जाए कि ताला शहर कौन सा है, तालों के लिए फेमस शहर कौन सा है, लॉक सिटी कौन सी है, तो अलीगढ़ के अलावा एक और है जिसका नाम है डिंडीगुल, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है, तो ताला शहर अलीगढ़ कहलाता है। और अलीगढ़ में ही वेरी 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 मोस्ट IMP AMU स्थित है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आ चुका है, अलीगढ़ में ही AMU स्थित है। AMU का मतलब है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कहाँ पर है भैया, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है, लेकिन इसे बनवाया किसने, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे बनवाया है भैया सर, कोई बता पाएगा कमेंट में, बताए तो वो मेरे लिए सराहनीय स्टूडेंट है और उसका सिलेक्शन आने वाले समय में निश्चित है। तो इसका जो निर्माण है वो सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। ठीक है, हाँ एक चीज और, बनारस में वाराणसी में एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है जिसका नाम है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किसने की थी भैया बताइए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किसने की थी, महामना उनकी उपाधि है और उनका नाम है महामना मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो महामना मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ये दो फेमस विश्वविद्यालय को याद रखें। रेणुकूट की बात करें तो रेणुकूट में एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, लेकिन राज्य के हिसाब से आपका उड़ीसा है, मैं पहले बता चुका हूँ, अभी नहीं बताया, उड़ीसा पढ़ाऊंगा। लखनऊ हम पूरा पढ़ चुके हैं, झांसी मैंने बता दिया है। फिरोजाबाद के बारे में एक ही फैक्ट है, क्या है वो, कि भाई फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए फेमस है। भारत में जो सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ हैं महिलाओं वाली, तो महिलाओं की जो सबसे ज़्यादा चूड़ियों के लिए फेमस कौन सा भैया, फिरोजाबाद है ना। ठीक है, उत्पादन की बात करें तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गेहूं में अव्वल है, इतना गेहूं यहाँ होता है, इतना गेहूं कहीं नहीं होता, है ना। वीट कहते हैं इंग्लिश में, वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है, मोनोकॉट प्लांट, एक बीजपत्री है। गेहूं के बाद बात करें गन्ना में भी ये नंबर वन है, गन्ना भी जितना उत्तर प्रदेश में होता है उतना कहीं नहीं होता। सुगर केन इसका इंग्लिश नाम है, सक्चरनम ऑफिसिनेरम इसका बॉटनिकल नाम है, और ये भी क्या है, मोनोकॉट प्लांट है, एक बीजपत्री प्लांट है। ठीक है, गन्ना हो गया, गेहूं हो गया, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में और क्या होता है, उत्तर प्रदेश में दूध में नंबर वन है, पशुओं में नंबर वन है। सिंपल सी बात है, पशु ज़्यादा होंगे तो दूध भी ज़्यादा होगा, पशु ज़्यादा होंगे तो क्या है, सिंपल सी बात है भैया, दूध भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बात सभी जानते हैं। और अंतिम है कि यहाँ भैया मांस भी सबसे ज़्यादा होता है, मांस लोग अधिक जनसंख्या है तो सब्जी भाजी नहीं हो पाती तो लोग कुछ भी मार के खा जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आंवला भी सबसे ज़्यादा होता है, एम्बलिका ओसोफिनियल्स, आंवला भी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इतना काफ़ी है। मुगल सराय स्टेशन है यहाँ पर, है ना, जो कि काफ़ी बड़ा हुआ करता था एक समय, ज़्यादा प्लेटफार्म हुआ करते थे, लेकिन अब
हाँ अभी भी है, मुगल सराय में प्लेटफॉर्म की संख्या की बात करें तो ज़्यादा है। अगर झील की बात करें तो यहाँ पर एक ही झील तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट झील है जिसका नाम है कृत्रिम झील। कृत्रिम झील, झील अधिकांश तौर पर प्राकृतिक होती है लेकिन इसे मानव द्वारा बनाया गया है और इसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है ना, ये कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत। कमेंट करके बताइएगा, जो सिंसियर स्टूडेंट है वो हमें कमेंट करेंगे, गोविंद वल्लभ पंत कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत कौन थे, दो या तीन फैक्ट बताने की कोशिश करिए। कृत्रिम झील हो गया है ना, कृत्रिम झील हो गया। इसके बाद उद्यान की बात करें तो उद्यान यहां पर कौन सा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा है ना, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के अलावा कुछ अभ्यारण्य भी हैं, जैसे हम बात करें पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जैसे पीलीभीत हम अभ्यारण्य भी कहते हैं, पीलीभीत हो गया, दुधवा हो गया, दुधवा हो गया, इसके बाद हो गया दुधवा पीलीभीत, दुधवा पीलीभीत नबे गांव, नबे गांव नहीं है यहाँ पे, बताइए हस्तिनापुर, हस्तिनापुर है ना, महाभारत देखा ना, तो जो हस्तिनापुर अभ्यारण है वो भी कहाँ है आपका, हस्तिनापुर अभ्यारण भी भैया उत्तर प्रदेश में है, हस्तिनापुर अभ्यारण भी यहीं पर है। रानीपुर, रानीपुर भी यहीं पर है, यहाँ लिख दूँ रानीपुर, रानीपुर है ना, चलो आप लिख लो, मैं बोल देता हूँ लिख लो, रानीपुर हो गया, सुर सरोवर हो गया, चंद्रप्रभा हो गया, रानीपुर सुर सरोवर चंद्रप्रभा दुधवा पीलीभीत हस्तिनापुर, दुधवा पीलीभीत हस्तिनापुर रानीपुर सुर सरोवर चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा चंद्रप्रभा चंबल, चंद्रप्रभा चंबल है ना, इतने सारे अभ्यारण्य जो हैं वो यहाँ पर हैं। और आज का अंतिम, आज का लास्ट, यहाँ की परियोजना बस एक ही परियोजना याद रखनी है जिसका नाम है रिहंद है ना, रिहंद परियोजना या रिहंद बांध। तो रिहंद बांध और रिहंद जल विद्युत परियोजना रिहंद नदी पर है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। एक ताप विद्युत केंद्र लिख लो चाहो तो, नरोरा, कौन सा भैया, नरोरा, नरोरा ताप विद्युत केंद्र भी यहीं पर है। और एक और जल विद्युत परियोजना है जो कि आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, नहीं उससे मैं मध्य प्रदेश जीके में पढ़ाऊंगा, एमपी जीके में हम उसे पढ़ेंगे, रानी लक्ष्मीबाई जल विद्युत परियोजना, ये हमारे संयुक्त है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में मैंने बहुत सारे फैक्ट कवर करने की कोशिश की और किए भी। अगर आपको ये वीडियो सराहनीय लगा हो तो पॉजिटिव कमेंट करें जरूर, इस कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, फैक्ट आपको एक्स्ट्रा मिले या नहीं मिले। और आपको वीडियो अच्छा लगने के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आप सब्सक्राइब और शेयर अधिक से अधिक करेंगे तो हम भी अपना अधिक से अधिक एफर्ट लगाकर हर एक विषय पर आपके लिए वीडियो लाएंगे, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, सभी टॉपिकों पर वीडियो आपको बहुत अच्छे लेवल से दिए जाएंगे, जिसमें आपको ऐसे फैक्ट मिलेंगे जो आप अदरवाइज कहीं नहीं देख पाते। ठीक है, तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।